Hi guys, so today I'm going to share one of our flashback videos of Behrin vlog और इसका मैंने full vlog डाला था जहाँ पे हम गए थे China market and China market में we went to a mall जहाँ पे बहुत सारी stationery stores है and this was one of the store which name was Yo-Yo So and this is a slight version of Miniso. तो Miniso तो काफ़ी famous है, तो वैसे ही एक Japanese Korean kind of a store है जहाँ पे काफ़ी सारे unique स्टाइल ऑफ स्टेशनरीज मिलते हैं, जहाँ पर टॉयज़ और स्टेशनरीज काफ़ी सारे अवेलेबल है एंड ये थोड़े से एक्सपेंसिव है बिकॉज इस चाइना मार्केट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. यहाँ पे बहुत ब्रांडेड स्टफ्स मिलते हैं और इनकी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी भी होती है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेंस के ऑप्शंस बहुत से थे, क्यूट पेंस के एंड कुछ सरप्राइज पेंस, कुछ different different types के थे. Star has lot of stuff, so we just wanted to explore and see what different things we can see. तो यही China market में ये store तो है ही है, but we also found some different store जो आगे आपको देखने मिलेगा. But यहाँ पर slight stamps available थे, erasers काफ़ी सारे available थे और साथ में color pencils, pens काफ़ी सारे different different options में थे and these were like so colorful and so beautiful and these were some sticky notes जो काफ़ी यूनिक लग रहे थे, क्वाइट डिफरेंट थे एंड देर वर सो मेनी जो बोलते हैं ना सॉफ्ट टॉयज़. और यहाँ पे स्टार को कुछ एक यूनिक चीज़ दिख गया था, क्ले जो आपको मिक्स करके आप इसको बना सकते हो विथ क्ले एंड जेली टाइप एंड सम मोर डिफरेंट स्टफ्स जो स्टार को यहाँ पे दिख गए थे. सम टॉयज़ वर ऑल्सो देयर एंड लॉट ऑफ अदर जो बोलते हैं ना हाउस होल्ड चीज़ें भी थी यहाँ पे एंड दीज वर सम स्क्वीशीज जो स्टार को बहुत अच्छे लगे थे. स्क्वीशी बैग करके कुछ था वो स्टार ने यहाँ पे देखा. And then we came to another store which is this pastel stationery store I would say. यहाँ पे जितने भी stationery थे सब pastel and unique थे, quite different थे color wise and very बहुत quality wise भी बहुत अच्छा था. तो यहाँ पे enter करते साथ ही star को यहाँ पे काफ़ी सारे ना sharpeners दिख गए थे. sharpeners were also very very unique. These were like 500 fills के थे which were like 100 rupees per sharpener थे. And these were these highlighters which are like universal. काफ़ी जगह आप लोग को ये cute highlighters अब मिल जाते हैं. इंडिया में भी बहुत जगह available है. अभी मैंने recently डाला था बोरेवली में, हम एक store में गए थे वहाँ पर भी हमको ये ऐसे वाले ही stationeries दिखे थे. And pastel stationeries बहुत unique और different लगते हैं. स्टार को sharpeners में से बहुत सारे अच्छे लगे, उसमें से एक sharpener स्टार ने purchase किया था, साथ में कुछ pens भी purchase किया. These were these small sets of bracelets. आप gifting के लिए काफ़ी दे सकते हो, return gifts वगैरह करके ना, तो ये आप दे सकते हो. तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे एंड सम एंड वेरी वेरी क्यूट शार्पनर. दीज वर द फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग दीज क्यूट लिटिल शार्पनर. सो स्टार को ये वाला शार्पनर भी बहुत अच्छा लगा. तो स्टार तो बस शार्पनर्स ही देख रही थी, साथ में इरेजर्स भी काफ़ी सारे थे एंड बीच बीच में ना लाइक ऑल ऑफ एक्सेसरीज के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, ब्रेसलेट सेट, नेल सेट्स वगैरह बहुत सारे क्यूट सारे दिख रहे थे स्टार को. सो आई होप गाइज आप लोग बहरीन के सारे व्लॉग्स देख रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स है. और क्योंकि स्टार के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, सो आई डिसाइडेड कि जो भी मेरे बच्चे कुछ बहरीन के व्लॉग्स होंगे आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर, बिकॉज काफ़ी सारे थे जो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी. तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर भी कर लेती हूँ. तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर गए थे तो मैंने देख कुछ यूनिक स्टप्स थे, तो हमने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं. और यहाँ से स्टार ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, नॉट फ्रॉम दैट यू यो सो, बिकॉज यू यो सो में काफ़ी जेनेरिक आइटम्स थे, बट यहाँ पे काफ़ी यूनिक आइटम्स थे. तो स्टार ने शॉपिंग भी की यहाँ से. और इसका हॉल मैंने बहुत पहले ही शेयर कर लिया था, जब साथ में बहरीन के हॉल्स चल रहे थे ना, तभी मैंने स्टेशनरी हॉल में इनका भी हॉल डाल दिया होगा कि जो स्टार ने परचेज़ किया था. तो स्टार को यहाँ पर बहुत क्यूट नेल सेट वगैरह दिखे थे, बट वो दैट वॉज जस्ट फॉर लाइक किडिश काइंड ऑफ अ थिंग. तो द स्टोर वॉज लाइक फुल ऑफ पेस्टल कलर्स, मतलब डार्क कलर्स बहुत कम थे, ऑल वर दीज लाइट पेस्टल कलर्स. दीज वर ऑल पेन, क्यूट पेन्स वाले टाइप्स है ना, तो इसमें से भी स्टार ने एक दो पेन्स लिए थे एंड वेरी क्यूट एंड यूनिक काइंड ऑफ थिंग स्टेशनरीज थे यहाँ पे. So guys, we are in this very very
cute Japanese store which is like मतलब यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे स्टफ्स मिलते हैं. मैंने इसका शॉर्ट्स बनाया है. स्टार ने भी कुछ चीज़ें ली है अपने लिए. मतलब यहाँ पे ये पिलो से लेके पेन से लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ये आप देख सकते हो हाइलाइटर से लेके मतलब क्यूट क्यूट पेन्स है यहाँ पे. क्यूट 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 पेन्स है विद कप्स एंड ऑल कप्स है एंड दीज आर स्टैम्प्स. स्टैम्प्स है यहाँ पे बहुत सारे एंड लुक एट दिस रूबिस क्यूब की चेन है प्लस द अमाउंट ऑफ शार्पनर्स दैट दे हैव इज़ लाइक सो गुड सो 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 गुड. शार्पनर्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स भी बहुत सारे. ये इंडिया में भी ऐसे वाले हाइलाइटर्स मिल जाते हैं एंड हम लोग ने थोड़ा बहुत वीडियो भी लिया हुआ है. स्टार तो पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें देखने में लगी हुई है. दिस इज वन कलर. This is another color. This is I know these color. Are the like different shade and these are all the nails and everything. मतलब एकदम वो pastel color type है ना सब वैसे ही मिले है यहाँ पे. So यहाँ पे pens भी है. Light color pens. These are right. हाँ. So मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे. Look at the table lamps. कितने प्यारे प्यारे. बहुत प्यारे प्यारे table lamps. Full accessories set. Mystery pens. मिस्ट्री पेन्स है. हाँ चलो तुमने ले लिया ना अभी. पेन्स हाँ 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 सो यस सो मेनी गुड स्टफ्स. डायरी सेट इज ऑल्सो देयर ना. काफ़ी सारे फ्रूट पेन्स. चलो वहाँ से निकलते हैं. सो गाइज चल ना मेरी माँ अब निकलते हैं. लेट्स गो. स्टार इज जस्ट स्टक इन दिस स्टोर.